है वो अनबॉक्सिंग जो कि मैं दिखाने वाली हूँ। ये है एक वैक्यूम क्लीनर। बहुत से लोगों को वैक्यूम क्लीनर के बारे में पता नहीं होता है, यहाँ पे मेरे ससुराल में भी लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेसिक सा वीडियो बना दूँ जहाँ पे मैंने वैक्यूम क्लीनर के बारे में जनरल नॉलेज शेयर किया है। और इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि ये मेरे लाइफ का सेकंड वैक्यूम क्लीनर है। पहला जो था वो मैंने शादी के पहले मैके में लिया था, जो कि यूरेका फोर्ब्स का यूरो क्लीन WD-X2 मॉडल था। वो वेट एंड ड्राई है, ये भी वेट एंड ड्राई का मॉडल है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं ये कैसा है। ये भी वेट एंड ड्राई मॉडल है, बट ये अमेज़ॉन बेसिक्स का है। और यूरेका फोर्ब्स से अगर कंपेयर करें तो वो 4 गुना महंगा है। ये मुझको 4,300 में मिला, तो इसलिए देखते हैं अब उसके कंपेयर में ये कैसा है। अगर आपको साइड बाय साइड रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, सो दैट अगले बार जब मैं मैके जाऊँगी तो ये लेके जाती हूँ वहाँ पे और आपको कंपेयर करके बताती हूँ। और अगर नहीं तो बाय परफॉर्मेंस में अब आपको इसका रिव्यू देती हूँ और कंपेयर करके बताती हूँ कि वो उसके साथ इन कंपेरिज़न कैसा है। वैक्यूम क्लीनर का कुछ बेसिक पॉइंट्स रहता है जो अभी यहाँ पे ससुराल में मेरे लोगों को पता नहीं है, तो शायद ऐसे बहुत से घर होंगे जिनको पता नहीं होंगे। तो पहली चीज़ तो वैक्यूम क्लीनर से डस्ट बिल्कुल नहीं होती है। वैक्यूम क्लीनर का ऐसा है कि एक बाजू से वो वैक्यूम करता है तो दूसरी बाजू से वो ब्लो भी करता है। और वैक्यूम क्लीनर्स में 3 टाइप्स के बेसिक्स होते हैं। पहले तो है ड्राई वैक्यूम, जिसमें वो बस वैक्यूम करता है, आप क्लीन वेट सर्फेस क्लीन नहीं कर सकते हो। फिर ड्राई वैक्यूम में आपको हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही महंगे हैं, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आपको वो मिलते हैं। फिर दूसरा होता है जो वैक्यूम प्लस ब्लोअर दोनों फंक्शंस के साथ आते हैं, तो वो है बजट में, बट उसके भी एसेसरीज लिमिटेड है। इवन हैंड हेल्ड वैक्यूम्स के एसेसरीज लिमिटेड होते हैं, उससे सारे सर्फेसिस आप क्लीन नहीं कर सकते हो। वेट एंड ड्राई में अमेज़ॉन बेसिक्स, इनालसा, कर्चर, ये 3-4 ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी बजट में आपको देते हैं सब वैक्यूम क्लीनर्स। और इसके एसेसरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और यूरेका फोर्ब्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड है। मैंने अमेज़ॉन बेसिक्स के साथ यूरेका फोर्ब्स का ट्रेंडी जिप ये मॉडल भी रखा था इन माई शॉपिंग लिस्ट, बट दोनों में से फिर मैंने वेट एंड ड्राई ही फाइनल किया। तो देखते हैं अब ये मॉडल कैसा है। और वैक्यूम करते समय आप एक बात हमेशा याद रखो कि कभी भी स्टार्ट करो तो सीलिंग से स्टार्ट करो। पहले सीलिंग के सारे कॉर्नर्स ले लो, फिर फ़ैन ले लो। और फ़ैन वैक्यूम से इतना अच्छा क्लीन नहीं होता है, आपको सोप सॉल्यूशन और वाटर यूज़ ही करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप वॉल्स को एक अच्छे से माइक्रोफाइबर से डस्ट कर लो। वॉल्स के बाद आप सारे फर्नीचर और पिलो कवर्स ले लो, वो सारे साफ़ कर लो। टीवी, फिर आपका टीवी सेट, वो सब साफ़ करो। और उसके बाद ही आप फ्लोर साफ़ करना, क्योंकि होगा क्या, अगर आप पहले फ्लोर साफ़ करोगे तो ऊपर का डस्ट फिर से नीचे सेट हो जाएगा और आपको वो डबल साफ़ करना पड़ेगा। और फ्लोर भी साफ़ करते समय पहले फ्लोरिंग ले लो, फिर कॉर्नर्स ले लो, उसके बाद मॉपिंग ले लो। देखो फ्रेंड्स, अमेज़ॉन बेसिक्स का ब्रांडिंग है और ये 15 लीटर कैपेसिटी वाला वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। इसमें 21 लीटर्स का कैपेसिटी भी आता है और यहाँ पे कीमत 7,000 है। पैकिंग अच्छा है। ये अमेज़ॉन बेसिक्स का बुकलेट, ये उसका होस पाइप है,
फिर ये उसका कॉर्ड है, ये ऑटो वाइंड कॉर्ड नहीं है जैसे कि यूरेका फोर्ब्स में आता है। फिर ये इसके एक्सटेंशन पाइप्स हैं, इसकी लंबाई अगर हम देखें तो ये 2 फीट की टाइल है, तो ये 2.25 फीट का है एक्सटेंशन पाइप। दो एक्सटेंशन पाइप्स हैं, फिर ये क्लीनिंग ब्रशेस हैं, ये पूरा 360 डिग्री रोटेबल है, यहाँ पे आपको व्हील्स भी है। फिर यहाँ पे ब्रश बॉर्डर है, यहाँ पे भी ब्रश है, और यहाँ पे एक स्विच दिया है जिसके ऊपर ब्रशिंग का साइन और यहाँ पे नो साइन है, तो अगर हम ये दबाते हैं तो ये ब्रश बॉर्डर थोड़ा बाहर आ जाता है। देखो ये ब्रश बॉर्डर है, ऐसा प्रेस किया तो ये अंदर जाएगा, ठीक है, ये जो कि नो ब्रश बॉर्डर है, ये हम वेट सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो ये ब्रश बॉर्डर बाहर आता है, ठीक है, और ये पीछे वाला वाइपर भी बाहर आ जाता है। दोनों अंदर चला गया, दोनों बाहर आ गया, ठीक है। एक बाजू से वाइपर है ये वाला, और एक बाजू से ब्रश बॉर्डर है, इससे आप ड्राई वैक्यूम और मॉपिंग दोनों कर सकते हो, और इसको व्हील्स भी दिए हैं सो दैट आप होस पाइप के साथ इसको ऐसे सरफेस से चला सकते हो, ठीक है। फिर ये है इसका मेन बॉडी जो कि 15 लीटर्स टैंक का है, ये है इसका कॉर्ड, देखो फ्रेंड्स ये है अमेज़ॉन बेसिक्स ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर, फाइनली आ गया, ऑलमोस्ट 15 डेज लग गए इस मॉडल को आने में। यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है जिसको इंसुलेशन दे रखा है उन्होंने, ये कवर रबर का है और बस अंदर का जो रेड कलर का पार्ट है वो ही स्विच होगा। यहाँ पे ब्रांडिंग है अमेज़ॉन बेसिक्स, फिर ये ऊपर का एंड ब्लोअर का है और ये नीचे का एंड वैक्यूम का है, कौन से भी वेट एंड ड्राई में ऐसा ही होता है कि नीचे का होस वैक्यूम होता है और ऊपर का ब्लोअर, यूरेका फोर्ब्स में ये ऐसा दो दिया है, एक नीचे एक ऊपर, और मैं आपको साइड बाय साइड यूरेका फोर्ब्स से कंपेयर करके बताऊंगी क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यूरेका फोर्ब्स का WD-X2 मॉडल यूज़ कर रही हूँ। तो इसका फंक्शनिंग ये वैसा है कि एक ओपनिंग से वैक्यूम होगा तो दूसरे ओपनिंग से ब्लोअर का फंक्शन होगा, ऐसा ही ये वैक्यूम क्लीनर कौन सा भी वैक्यूम क्लीनर काम करता है, और ये ईजी फंक्शन के लिए हैंडल, और यूरेका फोर्ब्स में ये जो एंड है ये ओपन दिया है सो दैट इसमें आप आपका एक्सटेंशन ट्यूब आर पार रख सकते हो। यूरेका फोर्ब्स में ऐसे बाजू को ऐसे बहुत से 4 दिए हैं उन्होंने, 1, 2, 3, 4, सो दैट आप एसेसरीज भी यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये जो अपना एक्सटेंशन है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है, इसको आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये होस पाइप हो गया और ये यहाँ पे अटका दिया, देखो अटक गया, ठीक है। तो ये होस पाइप को अगर आप एक्सटेंशन लगा लो, ये होस पाइप का डिज़ाइन भी सेम यूरेका फोर्ब्स जैसा ही है, यहाँ पे उन्होंने सक्शन नॉब दिया है, अगर आप ये पूरा क्लोज कर लो तो स्पीड बढ़ता है सक्शन पावर का,
और ये अगर खोल लो तो यहाँ से हवा लीक होता है और स्पीड कम होगा। अभी मैंने एक्सटेंशन को ये पाइप अटैच कर दिया है, ये सपोज़ मेरा वैक्यूम है और ये होस पाइप उसका, ठीक है, और ये होस पाइप है उसका। तो अभी अगर सपोज मुझे यूज़ नहीं करना तो मैं इसको ऐसे अटैच करके रख सकती हूँ। ये अटैचमेंट अपना ऐसा हो गया, ठीक है, हमेशा लगाने निकालने की झंझट इसमें नहीं रहती। और उसी तरह ये बकेट बहुत सिंपल लैच है इसका, बस ऐसे अटकाया निकाला, ठीक है, ये क्लोज़ है, ये अभी दोनों ओपन है और बस ऊपर की तरफ इसको लेना है। तो ये अंदर का 15 लीटर्स का टैंक, ये अपना हेपा फिल्टर, ये बॉडी ऐसा खड़ा भी रहता है इसे खड़ा कर दें, डस्ट फिल्टर दिया है, ठीक है, ये 3 लीटर का डस्ट ड्राई डस्ट फिल्टर है। ऐसे इसको खोला, ठीक है, ये ऐसे डस्ट इतना बड़ा है, ये देखो फाइल की तरह इसको अटैच कर दिया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन्होंने दोनों तरफ से। इसके अंदर ये ऐसी बैग आती है सील पैक, इसमें ये क्रिवाइस पाइप आता है जो कि लकीरों में से धूल को खींच निकालता है, मैट फिनिश में है ये और एक्सटेंशन पाइप्स ग्लॉस फिनिश में थे। और फिर ये भी दूसरा क्रिवाइस पाइप है बट ये रोटेशन में होता है, देखो यहाँ पे एरो दिया है, इसको बस खोलना है, ऐसे ऐसे खोलो तो भी ये काम करेगा, यहाँ से सक्शन होगा और सीधा भी कर सकते हो, नहीं सीधा नहीं होता, ये इतना ही होगा, ठीक है, यानी अगर आपको ये एंड यूज़ करना है तो ये एंड यूज़ करो और ब्रश बॉर्डर यूज़ करना है तो ऐसा ब्रश बॉर्डर यूज़ करो, ये फाइन क्लीनिंग करता है। फिर ये है इसका ऑल सरफेस क्लीनर, ये भी ब्रश है और ये यहाँ से रोटेट भी होता है सो दैट आपके सरफेस के हिसाब से इसको रोटेट कर पाओ। और लास्ट में ये 4 व्हील्स जो कि इस बॉडी को अटैच करने हैं, ये बस नॉच वाली डिज़ाइन है, इस नॉच के हिसाब से आपको फिक्स करना है, इजी मूवेबल है। और अंदर ये 2 एसेसरीज है, एक्चुअली एसेसरीज एक ही है बट उन्होंने 2 ब्रश दिए हैं, इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो देखो ये है इसका डिफरेंस, यहाँ पे वाइपर बॉडी है, ठीक है, जो कि वेट मॉपिंग के लिए यूज़ करी जा सकती है, और यहाँ पे ब्रश बॉर्डर है जो कि ड्राई वैक्यूम के लिए यूज़ कर सकते हो। यूरिका फोर्स में ऐसे 2 अलग से ब्रश दिए गए हैं और इन्होंने यहाँ पे बस ये अटैचमेंट दिया है सो दैट आप ये यहाँ से डिटैच कर लो, यहाँ पे एक खटका है जो इसे खोल लिया, ऐसा खटका है जो खोल लिया फिर से अटैच कर दिया, काफ़ी ईजी है। इसको व्हील्स नहीं है, ये यहाँ से रोटेट करेगा बट इसको व्हील्स नहीं है। तो देखो ये इतने इसके एसेसरीज आते हैं, ये हो गया मेन बॉडी, फिर ये हो गया होस पाइप, फिर ये हो गया उसके 2 एक्सटेंशन ट्यूब्स, ये हो गया फ्लोर ब्रश, ये हो गया डस्ट बैग 3 लीटर्स का, ये टंकी 15 लीटर की है, ये उसका कॉर्ड है, फिर ये 4 पहिए हैं, फिर ये एक रिवाइस कम ब्रश है, ये एक रिवाइस नोजल है, ये ऑल पर्पज़ क्लीनर ब्रश है और ये दूसरा फ्लोर ब्रश है और ये वाइपर है, ये ब्रश बॉर्डर है और ये वाइपर का बॉर्डर है। तो बेसिक सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की है, अगर आप यूरेका फोर्ब्स से कंपेयर करें तो उसमें ऑलमोस्ट 13 एसेसरीज आती है। इसमें आपको गार्डन को पानी देने के लिए भी पंप है, वो उस पंप से आप खिड़की के जाली भी साफ़ कर सकते हो, बट ये तो बहुत कॉमन यूज़ होता है फ्लोर ब्रश और क्रिवाइस नोजल। तो चलिए अब इसका डेमो देखते हैं और एंडिंग में आपको रिव्यू देती हूँ। अभी यूरेका फोर्ब्स से अगर आप कंपेयर करें तो इसमें 2-3 कैच है। पहली बात तो इसमें बस एक हेपा फिल्टर आता है
और यूरेका फोर्ब्स में हेपा फिल्टर प्लस स्पॉन्ज फिल्टर था और बहुत सारे एसेसरीज थे। यहाँ पे लिमिटेड एसेसरीज है बट इम्पॉर्टेंट एसेसरीज है। फिर सेकंड पार्ट, इसका एक्सटेंशन ट्यूब्स छोटा है और ज़्यादा लंबाई तक हाथ नहीं पहुँचेगा। फिर थर्ड पार्ट, इसमें ऑटो कॉर्ड वाइंडिंग का ऑप्शन नहीं है। फिर डस्ट फिल्टर फिल होने के बाद भी इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं है। यूरेका फोर्ब्स के उस मॉडल में दोनों ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट यूरेका फोर्ब्स के सारे बजट वैक्यूम्स में भी वो ऑप्शंस अवेलेबल है। और दूसरी बात कि यूरेका फोर्ब्स का आप मॉडल बहुत टाइम, जैसे 30 to 40 minutes यूज़ कर सकते हो। इसको मुझे लगता है आप 15 minutes से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, ये जल्दी गर्म हो जाएगा। तो चलो अब इसका डेमो देखते हैं। आप ये यहाँ से निकाल के इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये एक हेपा फिल्टर है, क्वालिटी ठीक ठाक है। कितने दिनों तक चलेगा देखते हैं अभी।
Let's clean the floor. डिफरेंस देख सकते हो, अब यहाँ पे धूल है, यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हो ये सरफेस कितना क्लीन है और इसके ऊपर अभी भी धूल है, तो इसी तरह मैं ये सरफेस भी क्लीन कर लेती हूँ। अब देखो दोनों सरफेस इक्वल दिख रहे हैं, दोनों क्लीन हो चुके हैं। ये ऑल पर्पस क्लीनर ब्रश है, अब इससे हम ये सरफेस साफ करके देखते हैं। इतना ये साफ हो चुका है। ये है एक रिवाइस नोजल, इससे ये खिड़की का पैनल हम साफ करके देखते हैं।
ये है वो डस्ट जो मैंने डस्ट बैग से एम्प्टी किया है, ये नीचे भी थोड़ा डाला है मैंने। बहुत ही फाइन है, बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल्स, इतना हाथ से कभी साफ़ नहीं होगा। इस बजट के रेंज में ये बहुत ही अच्छा पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है फ्रेंड्स।